इंसानों के लालच की वजह से आज हमने इतने अर्थ को पोल्यूट कर लिया है कि आज हमें एक अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी है। और इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन सबसे अच्छा हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स हमारे पास इतना बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम टेक इन्वेंटेड पे लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में और इंडिया में कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो कार डेवलप की गई है इंडिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, IIT खड़गपुर में। ये कार जितने इलेक्ट्रिकली पावरफुल है उतनी ही ज़्यादा इसमें मैकेनिकली इन्होंने इनोवेट किया है, और जिसके वजह से इसमें जो है हमारे पुराने इलेक्ट्रिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से जो डिसएडवांटेजेस थे वो उन्होंने कम्प्लीटली इसमें रिमूव कर दिए। तो अगर आप जानते हो, अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा देखे होंगे जिसे टोटो कहा जाता है। वो टोटोज जो है चाइना से पार्ट्स को लाकर इंडिया में असेंबल किए जाते थे और आज इंडिजीनियसली इंडिया के IIT खड़गपुर के जीनियस ने डेवलप किया है। तो आइए जानते हैं आज हम उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। ये 3-व्हील्ड व्हीकल है और इसका नाम इन्होंने रखा है टेस्ला। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टेस्ला कंपनी से इंस्पायर्ड है, इसलिए इन्होंने आई थिंक इसका नाम रखा है टेस्ला। तो आप सभी ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बैठे होंगे जिसे हम कहते हैं टोटो। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक टोटो के जैसे ही दिखता है, बट टोटो से भी ये ज़्यादा पावरफुल और इफ़िशियंट कार है। इसकी और एक अच्छी बात यह है कि ये टोटली इंडिजीनियसली इंडिया में बना है और 50 लोगों की टीम ने बना है। अब टोटल इनडेप्थ स्पेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। तो टेस्ला में जो बैटरी यूज़ की है वो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज यूज़ की है, जिनकी एवरेज लाइफ वो बता रहे हैं कि 6 से 7 साल की होगी। और जो बैटरीज टोटो में यूज़ होती है वो होती है लेड एसिड बैटरीज, जिनकी एवरेज लाइफ होती है 9 से 10 महीने, और 9 से 10 महीने के बाद उस ऑटो रिक्शा वाले को या फिर उस पर्सन को, ओनर को, उस बैटरीज को चेंज करना पड़ता है। और वो हर एक बैटरी कॉस्ट लगभग आसपास पड़ती है 20 से 25 हज़ार के बीच में। सो जो बैटरीज टेस्ला में यूज़ की गई है वो बैटरीज इनफैक्ट थोड़ी महंगी ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू लीड एसिड बैटरीज, बट उनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से वो कॉस्ट इफिशियंट होने वाली है। लेकिन जो टोटो में बैटरीज यूज जाती है वो हर साल हमें चेंज करनी पड़ती है, जिस वजह से हमें वो कॉस्ट इफिशियंट नहीं होता है। अब बात करते हैं मोटर की। तो क्योंकि टेस्ला की बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो जो है 3.5 किलोवाट मोटर को सप्लाई कर सकती है, बट टोटो या फिर ई रिक्शा में जो बैटरीज होती है वो ज़्यादा एम्पियर की नहीं होती है, जिसकी वजह से वो 1 किलोवाट के मोटर को ही करंट प्रोवाइड कर सकती है। सो इस वजह से जो टेस्ला की मोटर होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी और हमें एक ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस इस ई रिक्शा या फिर टेस्ला से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। टेस्ला की मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसमें आप नीड फॉर स्पीड तो नहीं खेल सकते, लेकिन गली रेसिंग में आप जरूर स्कूटर को हरा देंगे। मजाक कर रहे थे यार, दिल पे मत लो। करते हैं सस्पेंशन की। टोटो में सस्पेंशन जो होते हैं बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, उसमें बीम एक्सेस सस्पेंशन होते हैं जो बहुत घटिया होते हैं और जिससे आपकी कमर को काफ़ी ज़्यादा चोट बैठ सकती है। टेस्ला के बैकव्हील में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है जिसके वजह से आपको काफ़ी स्मूथ मक्खन सी राइड मिलेगी, तो आपकी कमर को चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ और एक बात खास निकल के आती है, टेस्ला में जो है स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है और टोटो या फिर ई रिक्शा में जो होता है वो हैंडल होता है। और अगर आप किसी इंजीनियर को पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली हमेशा यही बात कहेगा, स्टेयरिंग इज ऑलवेज बेटर देन हैंडल, क्योंकि वो आपको गंदे रास्ते में या फिर कच्चे रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। देयरफॉर अगेन टेस्ला इज ग्रेट। टेस्ला में हाइड्रोलिक ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर आप ई रिक्शाज में देखें तो वहाँ पे ड्रम ब्रेक्स होते हैं जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कंपैरिजन में बहुत इनफिशियंट होते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी बात आती है सर्विसिंग की। तो टोटो की अगर आपको सर्विसिंग करनी है या फिर अगर आपका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आपको वो पार्ट को चाइना से असेंबल करने के लिए बुलाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि टेस्ला टोटली इंडिजीनियसली इंडिया में बनी है तो आपको अगर आपको कोई पार्ट प्रॉब्लमेटिक खराब भी हो रहा है तो ये कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शंस आपको IIT खड़गपुर की टीम आपको प्रोवाइड करके दे देगी। इस टोटल प्रोजेक्ट में 46 लाख का फंड प्रोवाइड किया गया था। अब एक चीज़ जिसमें मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं वो कि भाई IITs के लोग एक अच्छा सा इनोवेटिव प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद में उसे अपने एक स्टार्टअप आइडिया क्रिएट कर डालते हैं और $1 बिलियन कंपनी स्टार्ट कर डालते हैं। यार इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा जलता हूँ, बट आई कंग्रेचुलेट डेम। अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। जल्द से जल्द इस गाड़ी को आप मार्केट में लॉन्च कीजिए। आपके इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को मैं प्रैक्टिकली देखने में और यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ग्रेट। तो दोस्तों आपको क्या मानना है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली अगर आप मुझसे कोई चीज़ शेयर करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर करें, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्या आपको लगता है ये टेस्ला व्हीकल्स इंडिया में सक्सेसफुल होगी, प्लीज़ येस और नो में मुझे कमेंट करके बताएं। सो एट लास्ट सब्सक्राइब कर दीजिए टेक इन्वेंट चैनल को, हम ऐसे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में वीडियोज़ लेके आने वाले, वो भी टोटली हिंदी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। This is Prajwal Chandak from Tech Invented. Until next time, from Tech Invented and team, see you.